कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, कुर्नी में उपचुनाव हो रहा है जिसको लेकर सारी पार्टियां जो है अपना दम खम जो है झोंक रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी छोटी पार्टियों का भी साथ ले रही है। बात कर रहे हैं हम माली समाज का। इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मिथुनजय तिवारी हैं। सब किस तरह से लग रहा है बीजेपी जो है अब छोटी छोटी पार्टियों का साथ लेना स्टार्ट कर दी है? देखिए, बीजेपी का जो अपना वोट था वो भी खिसक गया, और जब बीजेपी को अब दिख रहा है कि बीजेपी की नैया डूबने वाली है तो वो तिनके का सहारा ले रही है। कभी चिराग पासवान जी के पास नतमस्तक होती है, जिस चिराग पासवान जी के बंगले में बीजेपी ने आग लगाई, चिराग पासवान जी के राजनीति के चिराग को बुझाने का प्रयास किया, अब वो माली समाज के पास जा रही। ये सब कभी भी सब लोग जानते हैं कि बीजेपी किसी का नहीं है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब तक उनको काम था तो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बंगले को खाली किसने कराया, उनके तस्वीरों को किस तरह से बूटों से रौंदा गया, सबने देखा है। तो इसलिए अब कहीं कुछ जितना भी जोर लगा ले बीजेपी, जमानत बचाने के अलावा और उसके पास कोई चारा नहीं है। कुढ़नी में मुकाबला बिल्कुल साफ है। कुढ़नी की जनता नीतीश तेजस्वी सरकार महागठबंधन के उम्मीदवार जेडीयू के श्री मनोज कुशवाहा जी के साथ है, इसलिए अब बीजेपी हताश और निराश है। ऐसा लग रहा था कि मोकामा गोपालगंज में भी जो है पूरी तरीके से साफ है, मगर कहीं ना कहीं चिराग फैक्टर काम कर गया और गोपालगंज में 1700 सीटों से राजद की हार। देखिए, गोपालगंज को लेकर जो है पहले उसका केमिस्ट्री और उसका गणित का व्याख्या जो लोग इस तरह कर रहे हैं, ठीक है कि हम 1700 वोट से हारे और वहाँ पर सहानुभूति वोट के सहारे बीजेपी किसी तरह से जीत गई, लेकिन हमारा वोट 40,000 ज़्यादा उसको पाटने में हम कामयाब हुए। ये क्या दिखाता है? अगर वोट का, चूँकि वहाँ पर जिनके कारण सीट खाली हुई थी उनकी धर्मपत्नी खड़ी थी, तो सहानुभूति वोट स्वाभाविक है, लेकिन बीजेपी के लिए तो करारा तमाचा है। हमने 40,000 वोट ज़्यादा लाया। मोकामा में आपने देखा पूरी ताकत झोंक दी, हम जीते। तो इसीलिए बीजेपी का जो राजनीति का खतरनाक डिजाइन है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का साथ जब से बीजेपी का छूटा है, बीजेपी को अब बिहार में चाहे कोई चुनाव हो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए नगरी नगरी द्वारे द्वारे बीजेपी घूम रही है। सारी पार्टियां जो है अपना दमखम झोंक रही है, कहीं नहीं लगता नहीं कि मुसलमान का वोट फैक्टर करेगा इसमें? देखिए, सब लोगों को लोकतंत्र में चुनाव जो होता है राजनीतिक दलों के लिए परीक्षा है, और जनता की कसौटी पर राजनीतिक दल कैसे खड़े उतरें और जनता को कैसे विश्वास जनता का जीतें, भरोसा जीतें, इसके लिए हर पार्टी जोर लगाती है। चाहे कोई चुनाव हो तो सब पार्टी को लगाना भी चाहिए, लेकिन जनता का भरोसा और विश्वास जिस तरह से इस अल्प समय में 3 महीने की सरकार में, नीतीश तेजस्वी जी की सरकार में जीता गया है, नौजवानों के चेहरे पर खुशी लौटी है, बिहार की जनता में एक उम्मीद जगी है। जिस तरह तेजस्वी यादव जी अपने विभागों में आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे छठ के समय साफ सफाई, सारे चीज़ों को ले, तो ये जो भरोसा और विश्वास है इसी का प्रकटीकरण दिखेगा कुंडनी के चुनाव परिणाम में। साथ में दोनों जा रहे हैं, नीतीश कुमार भी जा रहे हैं और तेजस्वी यादव भी आज दोनों गए हैं, और चिराग पासवान भी जाने वाले हैं प्रचार करने के लिए, तो कहीं ऐसा लगता नहीं कि फैक्टर बनेगा? नहीं नहीं, कोई फैक्टर नहीं। देखिए, जब महागठबंधन के सरकार के नेतृत्वकर्ता कैप्टन और वाइस कैप्टन आदरणीय नीतीश कुमार जी और श्री तेजस्वी यादव जी का सभा होगा, तो पूरा जनसैलाब के अंदर जो उत्साह का संचार होगा, जो ऊर्जा होगा, जो खुशी होगी, और वो वोट में तब्दील होगा और सुनामी के रूप में वोट महागठबंधन के उम्मीदवार को मिलेगा। अच्छा, एक वक्त में चिराग पासवान बीजेपी का खुद का हनुमान कहते थे और उन्हीं को नज़रअंदाज कर दिया गया था, और फिर जो है बीजेपी उनसे चुनाव प्रचार करवा रही है और कहीं ना कहीं वोट बटोरने का काम कर रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि इसके बाद फिर कहीं ना कहीं उन्हें नज़रअंदाज कर दिया? हम तो कहेंगे श्री चिराग पासवान जी को कि सब चीज़ को याद रखिए, और ठीक है
कि सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी किसी गठबंधन में किसी के लिए प्रचार कर सकता है, ये तो उनका मामला। लेकिन जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले, तो श्री चिराग पासवान जी से ये सवाल तो पूछेंगे कि आज आप कौन से कारण हैं जिस बीजेपी ने क्या नहीं किया। ये तो पहली बार हुआ कि हनुमान के घर में राम ने आग लगा दी, इसके बाद भी अगर वो जा रहे हैं तो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कुर्नी विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सारी पार्टियां जो है दमखम अपना पूरी झोंक रही है। कहीं ना कहीं सारे वोट जो है फैक्टर करता है। आपको बता दें कि जब गोपालगंज में उपचुनाव हुआ था तो AIMIM ने भी बहुत सारे सीट काटे थे और खुद साधु यादव ने भी बहुत सारे सीट काटे थे। अब जो है कुर्नी उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो हैं सभा को संबोधित करने जा रहे हैं और चिराग पासवान भी जाएंगे। तो देखना यह है कि चिराग पासवान जो है कितना बड़ा फैक्टर निकल के आता है, जिस तरह से गोपालगंज में फैक्टर बन के आए हैं। कहीं ना कहीं कुर्नी में भी अगर उस तरह का फैक्टर निकल के आ गया तो महागठबंधन के लिए मुश्किल हो सकती है। तो फिलहाल इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ अब हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।